अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिनफा का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रशियन सैलड की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 300 ग्राम मायोनीज, एक पैकेट क्रीम, आधा किलो योगर्ट, 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर, काली मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, 6 अदद बनाना मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लेंगे, 8 अदद सेब जिनको छोटे क्यूब में काट लिया है, बॉईल की हुई मकरोनी एक बाउल, 4 अदद आड़ू जिनको क्यूब्स में काट लिया है, एक छोटा टिन कॉकटेल का, एक छोटा बाउल चिकन का जिसको हमने बॉईल करके रेशे रेशे कर लिए हैं, बॉईल किए हुए सफ़ेद चने छोटा बाउल, 3 से 4 अदद खजूरें जिनको बारीक लंबी शेप में काट लिया है, बॉईल किया हुआ लोबिया एक बाउल। अब एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले मायनीस जाएगी, एक पैकेट इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अब बीट किया हुआ योगर्ट जाएगा, अब पिसी हुई चीनी जाएगी, अब ब्लैक पेपर जाएगी, अब इसमें नमक ऐड करती हूँ। अब इसको अच्छे से बीट करेंगे, ये अच्छे से बीट हो चुका है, अब इसमें बाकी का फ्रूट ऐड करेंगे। अब इसमें एप्पल जाएंगे, अब इसमें पीच ऐड करेंगे, सफ़ेद चने जाएंगे, लोबिया जाएगा, मैक्रोनीस जाएगी, कॉकटेल जाएगा, बॉयल चिकन जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एंड पे बनाना ऐड करके फिर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, किशमिश और कटी हुई खजूरों से इसको गार्निश कर लेंगे। मज़ेदार रशियन सैलड तैयार है। इसमें आप अपनी मर्जी के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।